हेलो, वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। लास्ट टाइम हमने देखा था सर्किट ब्रेकर में एयर सर्किट ब्रेकर, अब है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। और जैसे कि आपको लास्ट क्लास के अंदर हमने ये भी बताया था कि एयर ब्लास्ट यानी एयर पे प्रेशर बढ़ाने से, ब्लास्ट करने से प्रेशर बढ़ता है, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे अगर आप तो प्रेशर बढ़ने से एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है, और एक बहुत कम नहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है एयर का। तो आज वही चीज़ें हैं, हमने देखा कि हमारे जो एयर सर्किट ब्रेकर थे उसके लिमिटेशन थे, क्योंकि गैप एकदम लिमिटेड होगा, ऑटोमेटिक चीजें होती हैं तो गैप ज्यादा नहीं बनता दो कंडक्टर के बीच। तो अब एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ही अपने को बढ़ाना पड़ेगा, गैप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए हमने बोला कि एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किन किन चीजों से बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि SF6 देना है, एयर को ब्लास्ट कराने हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देना है, तो इन सबसे एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी उस स्पेस का यानी ये गैप का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, उस मीडियम का बढ़ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, हमारा सर्किट ब्रेकर पे आर्क स्ट्राइक नहीं करेगा, है ना। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इसी को ABCB, बहुत जगह आप इंटरव्यू जाएंगे ना तो सीधे ABCB पूछ देगा, MOCB पूछ देगा, है ना। तो इस टाइप का चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ, जैसे सपोज दैट ये मेटल कॉन्टैक्ट होगा, ये ट्रांसमिशन जा रहा होगा आगे, लेकिन यहाँ किसी कारण से फॉल्ट हो गया या फिर लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, बिजली गिर गया हो, तो इसी कारण सीवियर वोल्टेज चलता है, तो हाई करंट जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ट्रिप कर जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ें होती क्या है, सर्किट ब्रेकर है। अब यहाँ भी क्या होगा, जैसे ही गैप होगा, फॉल्ट हुआ होगा, तो ये आयोनाइजेशन एयर को आयोनाइज करना शुरू कर देगा, क्या करेगा, एयर को आयोनाइज करना शुरू कर देगा, है ना। ये एयर को आयोनाइज करना शुरू करेगा और क्या करना चाहेगा, सेम पहले जैसा ये आर्क प्रोड्यूस करना चाहेगा, एक आर्क यानी आर्क का कोर बहुत सॉलिड, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और लास्ट डे भी बताया था लगभग 25,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्या होगा, इस एयर को आयोनाइज करके, यानी ये जो आपका एयर था, एयर को क्या कर रहा है, आयोनाइज कर रहा है, एयर को आयोनाइज कर रहा है, एयर को आयोनाइज कर रहा है, ठीक है ना। अब इसी दौरान क्या करते हैं, हमने देखा कि ये नॉर्मल कंडीशन में जहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, जब आपका पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, देखिएगा जब यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, ये मान लीजिए कि 0 वोल्ट है ना, ये अप्लाइड वोल्टेज आपका बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में एयर तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होता है, 3 kV/mm, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ऐसे कंडीशन में देखिएगा एयर ब्लास्ट का प्रोसेस फॉलो करते हैं। एयर यहाँ से एक चैम्बर रखते हैं हम, है ना, और इस चैम्बर से एयर को ब्लास्ट कराते हैं, इस चैम्बर से एयर को क्या कराते हैं हम, ब्लास्ट करते हैं। यहाँ पे एयर प्रेशर जो होता है, इसका एयर जो प्रेशर रखा जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है, कौन सा होता है, फ्रेश एयर, है ना, फ्रेश एयर दिया जाता है। इसकी प्रेशर जो होती है 2 से 6 MN पर मीटर स्क्वायर के रेंज में रहता है इसका प्रेशर, ठीक है ना। और ये प्रेशर से देखिए क्या होता है, हाई प्रेशर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा जाता है, और यहाँ से हाई प्रेशर इम्प्लीमेंट होने से देखिएगा क्या होगा, हाई प्रेशर जैसे इम्प्लीमेंट होगा इस कंडीशन में क्या करता है, ये इस आयोनाइज जो मीडियम है, आयन्स है, इनको धकेल के ऊपर की ओर ले आता है, इनको धकेल के क्या करता है, ये ऊपर की ओर ले आता है, इनको धकेल के ये ऊपर की ओर अगर ले आता है इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ से तो एरिया ख़त्म, यहाँ पे आर्क ख़त्म, यहाँ से जब गायब होगा तो आर्क का रास्ता कौन बनेगा, देखिए ये जहाँ से आयन रह गया वहीं से जाएगा ना, जो आर्क का मीडियम बन जाएगा वो कैसा मीडियम होगा, यहाँ से जाएगा आर्क, ऐसा जाएगा आर्क, किस होके जाएगा इधर। और दूसरा क्या करते हैं देखिएगा, और भी क्या चीज़ करते हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट होता है आर्क को स्प्लिट करने का, ये देखिए अलग अलग चैम्बर बने होते हैं, इधर इधर क्या हो, आर्क बंट जाए, ताकि एक जगह आर्क रहेगा तो स्ट्रांग ना हो जाए, सर्किट ब्रेकर ना डैमेज हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं इधर इधर चैम्बर में बांटते हैं। तो अब देखिए जो आग होगा, ये आयन्स तो यहाँ है नहीं, इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स इधर चले गए, आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अब इधर गए, तो आर्क कैसे कैसे जाएगा, इस रास्ते से जाएगा, है ना। तो रास्ता लेंथनिंग अगर बढ़ जाता है, लेंथ बढ़ गया तो उस मीडियम में रेजिस्टेंस बढ़ गया, और जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हम कहेंगे उस रास्ते का करंट डिक्रीज करेगा, उस रास्ते का क्या होगा, करंट डिक्रीज करेगा, समझिएगा। जब करंट डिक्रीज किया तो लेंथ बढ़ गया, करंट आपका फाइनली डिक्रीज कर गया, यही तो है आर्क करंट, ये क्या है, हमारा आर्क
करंट, पहले आर्क प्रोड्यूस हुआ, आर्क प्रोड्यूस हुआ लेकिन तुरंत हम ब्लास्ट कर दिए। ये ऑटोमेटिक होता है सारा प्रोसेस, एक सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, तुरंत ही ब्लास्ट कर गया। ये चैम्बर बने होते हैं हालांकि, ताकि आग एक जगह एकत्रित ना हो, अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिससे कि क्या होता है आपका आर्क कमजोर पड़ जाता है। अब हमारा क्या होगा, आर्क करेंट कम हो गया, आर्क करेंट कम हो गया, यही तो हम चाहते हैं कि आर्क दोबारा से एक बार अगर क्रिएट हो गया, ये ब्लास्ट हुआ था आर्क, अब दोबारा से ऐसा ना हो कि जैसे ब्लास्ट करने के बाद ये क्या हो, आर्क स्ट्राइक ना हो, आर्क क्या हो, स्ट्राइक ना हो। तो ये भी चीज ध्यान रहे, आर्क दोबारा से स्ट्राइक ना हो। इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे क्या करते हैं, एयर को प्रेशर देते हैं। अब ये देखिए, ये जो एयर प्रेशर दिया जाता है यहाँ से, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया और ये खत्म हो गया, नहीं, ये रिपीटेड रिपीटेड एक्शन होता है इसके अंदर, है ना। रिपीटेड एक्शन ऑफ आर्क फायरिंग, रिपीटेड एक्शन ऑफ एयर ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रहे। ये जो ऐसा होता है क्या, क्या एक ही बार ब्लास्ट हो जाएगा क्या, नहीं, ये पे यहां पे क्या होता है, भड़क भड़क फटक फटक फटक, यहाँ से लगातार रिपीटेड एक्शन होते हैं एयर का ब्लास्ट होना। अगर एक ही बार ब्लास्ट हुआ तो ये रीस्ट्राइक करने के चांसेस फिर हो जाते हैं कि सीधे रीस्ट्राइक कर जाएगा, इसलिए क्या करता है, फटक 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 फूटते रहता है, एक तरीके से कहे तो ब्लास्ट करता है, और आपका क्या होता है, आर्क को जो रीस्ट्राइक करने की संभावना होती है उसको खत्म कर देता है, ठीक है ना। तो यही होते हैं हमारे इस तरीके से आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अब समझिए क्या होता है ना, जब आप एयर के प्रेशर बढ़ा दिए एट व्हेन, यहां समझिए, व्हेन एयर प्रेशर प्रेशर इंक्रीज, व्हेन एयर प्रेशर इंक्रीज देन डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज सेवरल टाइम्स। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसका डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज कर जाता है। अब क्या होता है, हाई पोटेंशियल पर भी ये जो इतना कम ही गैप होने के बावजूद भी ये आर्क को रीस्ट्राइक करने का मौका नहीं देता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, हमारा सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्ट रहता है, ट्रांसमिशन डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी फॉल्टी कंडीशन डिस्कनेक्ट हो गया, इधर हमारा सर्किट सही रह जाता है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि हमको पता है, लास्ट टाइम क्लास में भी हमने आपको बताया था एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर, कि क्लियरेंस हमारे पास फिक्स होते हैं, ये जो डिस्टेंस है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ये अरेंजमेंट है, जो ऑटोमेटिक चीज़ें हैं, डी जो है ऑलमोस्ट हम सबका, ज़्यादा नहीं गैप कर सकते, ये ऐसा थोड़े ना मैनुअली, आइसोलेटर तो है नहीं कि खींच के 5 मीटर 4 मीटर खींच दिए, इसको नहीं खींच सकते, एक लिमिट से ज़्यादा हम ऑटोमेटिक ट्रिप नहीं कर सकते, गैप दे सकते हैं। तो हमारा एयर का डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ही बहुत बढ़ाना पड़ता है, इसीलिए एयर को रिप्लेस करके SF6 यूज़ करते हैं, एयर को ब्लास्ट करते हैं, वैक्यूम यूज़ करते हैं, ये सब तरीका होता है हमको, ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल सर्किट ब्रेकर हो जाता है, तो ये एक वे है। तो चलिए, तो आपने समझ गया किस तरीके से एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है। ध्यान रखें, एयर ब्लास्ट एक रिपीटेड एक्शन होता है, इसके अंदर क्या होता है, रिपीटेड एक्शन होता है, और यहाँ से फाइनली आपका आर्क जो है ऊपर की ओर चढ़ जाता है। अगर इस सर्किट को देखना चाहेंगे दोबारा से, जब यहाँ से आपका ब्लास्ट हुआ होगा, जब ये ब्लास्ट रहा होगा, तो हाई प्रेशर के कारण क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रॉन्स होल इस रास्ते को फॉलो करने लगेगा, जिससे लेंथ बढ़ेगा तो आपका आर्क करंट कमज़ोर पड़ने लगेगा, ठीक है ना, इस रास्ते को फॉलो करने लगेगा, और यहाँ चैम्बर रहते हैं ये, ताकि आर्क आपका बंट जाए, स्प्लिट हो जाए, आर्क क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, स्प्लिट बांटने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हमारा करंट का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। तो चलिए, ये हमारा एक तरीका है। अब हम इसी में देखना चाहते हैं कि किस तरीके से कम डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अगर हम डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाए तो हमारा क्या होगा, हमारा डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगा, किससे, पोटेंशियल स्ट्रेस से या फिर डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस से बढ़ जाएगा। तो चलिए उस चीज़ को देखते हैं। तो जिस तरीके से आपने देख लिया एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को, अब मैं यहाँ पे दो कंडीशन लेके चलता हूँ। देखिएगा, एक ऐसा सर्किट जिसमें आपका एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, ये है 3 kV/mm, 3 kV
पर एमएम, ठीक क्लियर। और यहाँ पे मैं रहने देता हूँ सिर्फ और सिर्फ एयर, यह है मूविंग कॉन्टैक्ट और यह है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। दूसरा सर्किट लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ यहाँ पे एयर, एयर डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ विथ प्रेशर, विथ हाई प्रेशर, विथ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के साथ क्या होगा, इसका डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बहुत गुना बढ़ जाता है। एयर डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ विद हाई प्रेशर ऑब्वियसली क्या होता है, बहुत गुना बढ़ जाता है। मैं एक लेट्स एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसका डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ अभी सिर्फ 10 ही लेता हूँ, 10 kV/mm, कितना है 10 kV/mm, क्लियर है। यहाँ पर 10 kV/mm लिया, इसका मतलब यहाँ पर ब्लास्ट चैम्बर होगा तभी तो प्रेशर बढ़ेगा, ब्लास्ट चैम्बर होगा, यहाँ से प्रेशर बनेगा, ठीक है ना, यहाँ से प्रेशर बनेगा और आयंस को आगे के लिए ऊपर जाने के लिए मजबूर कर देगा ये, है ना, और यहाँ पे ये आयंस को ऐसे ही जाने देगा, ठीक है ना। तो समझिए दोनों ही कंडीशन में, यहाँ भी मूविंग फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, सॉरी यहाँ देखिए एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट है। देखिए फर्स्ट लेक्चर आपको देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वहीं से आपको चीज़ें पता लगेगा कि डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है 3 kV/mm और यहाँ पे है 10 kV/mm, इसके कंडीशन में बढ़ गया है, इसके कंडीशन में बढ़ घट गया है। आपको पता होना चाहिए जब आर्क फॉर्म करेगा तो कौन बड़ा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस अगर बड़ा हो गया डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ से तो इस स्ट्रेंथ को खत्म कर देगा और डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस आगे बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाएगा, आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन जब ये जो हमारा इसके अंदर ये जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये बड़ा हो जाए इस स्ट्रेस से, यहां जो कंडक्टर से स्ट्रेस हो रहा है पोटेंशियल कारण, ये स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेंथ किसका हो, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, तो ये आगे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने नहीं देगा। इसके मतलब आर्क फॉर्मेशन तभी हो सकता है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में बताया, आर्क फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस। अगर डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस कम ही है, तो फिर आर्क का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से जाएगा नहीं। चलिए तो ये तरीका हो गया। अब समझिएगा यहाँ पे क्या है, लेट्स एग्जांपल समझिएगा। हमको पता है कि क्लियरेंस हर कंडीशन में कितना है, क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिक स्विच इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा क्लियरेंस आपको नहीं दे सकता है, यहाँ पे ज़्यादा दूरी आप किसी को, दो कॉन्टैक्ट्स को बहुत ज़्यादा दूर नहीं कर सकते, एक दायरे तक ही कर सकते हैं, क्योंकि आइसोलेटर था ही नहीं कि हाथ से आराम से बहुत दूर तक खींच देंगे, 2 मीटर 4 मीटर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब हम देख रहे हैं दूरी दोनों कंडीशन में सेम है और डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ गया, तो गैप का क्या हो जाएगा, देखिएगा गैप का क्या हो जाएगा, आप समझिएगा। अगर मान लो कहता हूँ कि यहाँ समझिएगा 33 kV पे इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों को, दोनों सर्किट को मैं 33 kV पे ऑपरेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो सपोज दैट 33 kV यहाँ से ऑपरेट करना पड़ रहा है मुझे, 33 kV, समझिएगा 33 kV ऑपरेट करना है और यहाँ भी कितना अपने को ऑपरेट करना है, 33 kV, समझिएगा 33 kV। तो क्या मैं बताना चाहता हूँ ये चीज़ समझिएगा। देखिए एक ई होता है डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस, जिसको हमने पहले वाले क्लास में बताया था, वो क्या होता है, वी बटा डी। डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस हमेशा डिपेंड करता है उसके वोल्टेज और डिस्टेंस पे, यानी क्या कि वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा है और दूरी अगर कम है तो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस इतना होगा कि एयर से स्पार्क कर देगा। यानी चीज़ों को समझना है, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस हमेशा डिपेंड करता है वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज और किस पे, डिस्टेंस पे। अप्लाइड वोल्टेज कहने का मतलब अगर ये फॉल्ट हो गया है ना, तो यहाँ 0 वोल्ट और जो अप्लाइड था 33 kV, और यहाँ भी फॉल्ट हो गया तो यहाँ 0 वोल्ट और 33 kV, लेकिन डिस्टेंस है ये वाला, इन दोनों के बीच का गैप। तो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस डिपेंड करता है किस पे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अप्लाइड वोल्टेज और डिस्टेंस पे। लेकिन डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर हमेशा कांस्टेंट होता है, उसको अगर बढ़ाना है तो उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करना पड़ेगा, एयर में SF6 देना पड़ेगा या फिर वैक्यूम करना पड़ेगा या फिर ऑयल देना पड़ेगा, जिस तरीके से ट्रांसफार्मर में ऑयल देते हैं, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है ताकि आइसोलेशन भी बढ़ता है, कूलिंग भी होता है। चलिए हम उस चीज़ को आगे देखेंगे, लेकिन ये चीज़ें हैं। अब देखिए एक है डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एक दूसरा है डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस। अगर इसकी बात करें, अगर 33 kV अप्लाइड है तो ई बराबर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि कितना स्ट्रेस बनता है, तो E बराबर इसकी चर्चा की जाए तो कितना होगा, V बटा D। मैं कहता हूं अप्लाइड वोल्टेज कितना है, 33 kV। अप्लाइड जो है, अगर फॉल्ट यहां 0 वोल्ट, अगर ये फॉल्ट है क्योंकि सर्किट ब्रेकर में ऑपरेट
कब हुआ, जब ये फॉल्ट हुआ, फॉल्ट हुआ तो एक साइड 0 वोल्ट रह गया होगा, दूसरे साइड ट्रांसमिशन में जो वोल्टेज होगा, तो हमने 33 kV लिया है, तो 33 kV है यहाँ पे, 33 kV बटे आखिर यहाँ पे डिस्टेंस का मान क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस का मान क्या होगा कि एयर के डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ से इसको कम रहना पड़ेगा ताकि आर्क आर्क प्रोड्यूस ना हो, इसके लिए एयर के डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम होगा, यानी एयर समझिएगा डायलैक्ट्रिक, एयर डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम रहना है तभी तो आर्क का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एयर का डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना हो जाएगी, 3 kV/mm, 3 kV/mm, तो 3 kV/mm से कम होने के लिए, 3 kV/mm से होने कम होने के लिए डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस को यहाँ पे डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा, आप समझिए, यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ डिस्टेंस का मान, समझिएगा दूरी कितना रखूँ कि यहाँ पे ये हो जाएगा, मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे 14 रख देता हूँ, 14 mm में रख देता हूँ, समझिएगा अगर यहाँ पे डिस्टेंस 14 mm रख देता हूँ तो देखिए डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस कितना होगा, 33/14 अगर आप करते हो तो 14 × 28 2 point something 28, उसके बाद 5 50 हो जाएगा 3 4 42, फिर 8 बचा 5, इतना हो गया क्या, देखिए डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस जो हो गया वो कितना हो गया, देखिए इतना kV/mm, कितना kV, 14 mm के गैप के लिए 33 kV, तो 1 mm गैप के लिए कितना 2.35 kV, ये हो गया कब, जब एयर है, समझिएगा इस चीज़ को, जब एयर है और एयर का डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस कितना है 3 kV, है ना, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है 3 kV और स्ट्रेस कितना है 2.35, यानी कंडक्टर पे स्ट्रेस है कि हम ब्रेक कर देंगे इस एयर को, ब्रेक कर देंगे, लेकिन 3 से कम होने का ये ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन जब ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, लेकिन उस टाइम डिस्टेंस कितना हो गया, या हम कह सकते हैं आर्क नहीं फॉर्मेशन होने के लिए, देखिए स्टेटमेंट सब लिखा हुआ आपके नोट्स में दिया गया है, ठीक है ना, आर्क नहीं फॉर्मेशन होने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, 14 सेंटीमीटर का, 14 mm का, मिलीमीटर का, ध्यान दे, अगर ये आर्क नहीं फॉर्मेशन करे और 33 kV अप्लाइड वोल्टेज हो, उसके लिए वी मस्ट नीड अप्रॉक्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप 2.5 पे जा सकते हैं, 2.75 पे भी जा सकते हैं, तो दूरी और कम भी हो सकता है, दूरी थोड़ी 12 mm भी हो सकता है, अप्रॉक्स 40 mm टू स्टॉप द आर्क, आर्क को रोकने के लिए 14 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए अगर 33 kV का वोल्टेज अप्लाइड हो, क्योंकि वो एयर का डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा और ये कम रह जाएगा, तो इससे क्या होगा, आर्क का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे कंडीशन में देखते हैं कि जब हम इसके अंदर हाई प्रेशर का क्या किया, ये अप्लाइड किया है एयर का प्रेशर, तब देखता हूँ इसका डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ थोड़ा रफ कर देता हूँ, यहाँ इसको रफ कर देता, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपके आसान हो जाएगा। देखिए ये सेपरेट क्यों रहा होगा, ऑब्वियसली फॉल्ट हुआ होगा, यहाँ फॉल्ट करंट गया होगा, तो फॉल्ट जैसे ही ग्राउंड से जुड़ा, ये 0 वोल्ट, यहाँ पर अप्लाइड वोल्ट 33 kV। अब समझिए इसके लिए, अब मैं बात करूँ इसके लिए, देखिए अब मैं कहता हूँ इसके लिए अगर बात करूँ, तो यहाँ भी हम देखेंगे स्ट्रेस कितना है, इसके कंडक्टर पर स्ट्रेस कितना है, ताकि ये एयर को चाहे स्पार्क करने के लिए, तो हम देखते हैं यहाँ भी V/D होना चाहिए, यहाँ भी V/D होना चाहिए, लेकिन अब हमको पता है, अब यहाँ का जो एयर का स्ट्रेंथ है, जो एयर का डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो विथ प्रेशर वाला एयर का जो हाई प्रेशर के साथ डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वो हमको पता है, एयर का डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ विथ हाई प्रेशर बताइए कितना हो गया है, अब 10 kV/mm, इसका मतलब है 10 kV वोल्टेज और 1 mm का गैप पे भी हो तो क्या हो करता है, वो एयर को ब्रेक करने की क्षमता रखता है, यानी अगर आप क्या करें, 1 mm का दूरी हो और 8 kV वोल्टेज अप्लाइड हो तो एयर को ब्रेक नहीं कर सकता, कब, जब हाई प्रेशर पे हो, जबकि हमको पता है जब लो प्रेशर पे होता है तो 8 kV 1 mm को तो ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, ये चीज पता होना चाहिए। चलिए तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा अब कितना हो चुका है प्रेशर पे डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का, यहाँ का सर, ये एयर का हमको पता है इतना हो चुका है, कितना 10
केवी पर एमएम, ठीक है ना। अब हम यहाँ देखते हैं कि 10 केवी से कम यानी 8 9 लाने के लिए हमको डिस्टेंस कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 33 केवी तो अप्लाई किए हुए हैं। अब समझो कि यहाँ पे इसको डिस्टेंस को लाना है कितना ताकि ये 10 से कम रह जाए, तो मैं अगर डिस्टेंस को यहाँ पे 4 एमएम ले जाता हूँ, कितना 4 एमएम, 33 केवी वोल्टेज अप्लाई है, 4 एमएम ही डिस्टेंस रखता हूँ, तब भी देखता हूँ 10 से अगर नीचे रह जाएगा यहाँ इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, तो वो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम होगा तो आर्क फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर इसको करोगे तो कितना देगा ये, अगर इसको आप करते हो तो देखिए कितना देगा, 33 बटा 10 करोगे 8.1 यानी 10 चार दुनी 8 8.2 8.2 क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है। ये क्या है, ये क्या है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस या डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप कह सकते हो, ब्रेक करने के लिए या इधर से मूवमेंट करने के लिए, इधर से मूव करने के लिए ये इतना है। और एयर का डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई प्रेशर पे कितना हो चुका है, 10 केवी पर एमएम, यानी 10 केवी वोल्टेज होगा तब 1 एमएम के हवा को स्पार्क आयोनाइज कर पाएगा। और ये देखिए कितना है, कहता है कि 4 एमएम की दूरी भी अगर रहेगी तो हमारा डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस जो है वो कितना है, 8 का है। इसका मतलब क्या हो गया, तब भी आर्क का फॉर्मेशन होगा क्या, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस कम हो गया, धक्का देना इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने वाला वो कम हो गया, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, हवा कह रहा अच्छा अब हमसे गुजर ही नहीं पाओगे क्योंकि हमारे अंदर क्या हो गया, एक एनर्जी आ गई है जिसके कारण हम तुमको आने नहीं देंगे। तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से क्या हो रहा है आपका, हम कह सकते हैं आर्क विल नॉट फॉर्म, आर्क विल नॉट स्ट्राइक, आर्क क्या होगा दोबारा से स्ट्राइक रीस्ट्राइक नहीं करेगा, आर्क विल नॉट स्ट्राइक, है ना, आर्क दोबारा से क्या करेगा, रीस्ट्राइक नहीं करेगा। एक बार शुरुआत में आर्क फॉर्मेशन तो होगा, तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट होगा तो रीस्ट्राइक करने का मौका नहीं देता। अब समझिएगा आर्क विल नॉट स्ट्राइक, आर्क विल नॉट स्ट्राइक हो गया। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, आर्क को फॉर्मेशन नहीं करने दिया, लेकिन डेवलपमेंट क्या देखने को मिला, देखिए डेवलपमेंट ये देखने को मिला कि यहाँ पर अगर 4 एमएम का खाली गैप हो, देखिएगा चार ओनली 4 एमएम का गैप है तब भी आर्क का फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा है, और यहाँ पे 14 एमएम का गैप है, 14 एमएम का गैप है तब भी आर्क का फॉर्मेशन ये नहीं होने दे रहा है। इसका मतलब अगर इसमें भी 14 एमएम का गैप हम रखने की कोशिश करेंगे, इसमें भी अगर 14 एमएम का गैप रखने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब आप वोल्टेज तो इसमें 100 के भी 150 के भी आराम से दे सकते हो, 150 के भी अप्लाइड होगा तभी ये मतलब कि सस्टेन कर लेगा, कौन सा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, क्लियर ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हाई डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका एयर का हो जाता है, कब, एट हाई प्रेशर। तो क्वेश्चंस के बार ये भी पूछ देता है कि अगर किसी एयर पे प्रेशर डाला जाए तो उसका डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटेगा कि बढ़ेगा, ये क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन जरूर करेंगे, हालांकि मैंने नोट डाउन में करा देखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ कि अगर किसी एयर पर प्रेशर डाला जाए तो उसका डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, यानी अब किसी का स्ट्रेस इलेक्ट्रॉन के स्ट्रेस को वो बर्दाश्त कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने देता, अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, आयंस मूव नहीं करेंगे तो आपके करंट मूव नहीं करेगा, करंट नहीं मूव करेगा इसका मतलब आर्क का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रहे आपके, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। अब दूसरा और पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपसे बोलेगा डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस किस पर निर्भर करता है, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस जो होता है वो निर्भर करता है अप्लाइड वोल्टेज और डिस्टेंस पे, है ना। अप्लाइड वोल्टेज जितना ज्यादा होगा स्ट्रेस इस पे उतना ज्यादा होगा कि ब्रेक करो और हवा से गुजर जाएंगे, हवा से गुजर जाएंगे, और डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तो फिर गुजर नहीं देगा। अब इतना दूरी पे दो कंडक्टर होगा तो कभी गुजर नहीं देगा करंट, नहीं। अब बहुत नजदीक होता है तो एयर को स्पार्क करके गुजर जाता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ ध्यान रखें, वो ये डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ स्ट्रेस है, लेकिन डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ हवा का फिक्स होता है 3 केवी पर एमएम, है ना, और प्रेशर बढ़ा दें या सब 6 मिलाए तो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें थी जिसको आप आसानी से समझ सकते हो कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जब आपने ये कर लिया है तो मैं चाहूँगा कि इसी के अंदर एक छोटा सा टर्म वैक्यूम के बारे में बता दें। ध्यान रखें एयर ब्लास्ट का रेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, रेटिंग हम सबका लास्ट में कराएंगे। ये इसकी जो रेटिंग होती है ना, ये अप टू कहाँ तक जी, अप टू 400 केवी तक के वोल्टेज को सस्टेन कर लेता है। तो इसका यूज जो है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का अप टू किस रेंज तक होता है, 400 केवी, और इससे ज्यादा रेटिंग के लिए किसका यूज करते हैं, SF6, है ना, वो तो बिल्कुल एनर्ट गैस के जैसा बिहेव करता है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम रहा होगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को।
ओके अब नेक्स्ट पॉइंट में देख रहा हूँ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है ना। अभी जस्ट हमने देखा ABCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, अब देख रहा हूँ इसी के अंदर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यानी नेक्स्ट टॉपिक है ना। अब यहाँ पे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में ऑब्वियसली नाम से हमने बोला कि यहाँ पे जो भी चीज़ रखते हैं उसी का नाम हो जाता है, शुरू से क्लास से दे ही रहा हूँ ये सब बातें। अब इसका मतलब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया गया, वैक्यूम क्रिएट किया गया इसका मतलब वेरी लो प्रेशर है ना, बहुत कम प्रेशर रखा जाता है। और वेरी लो प्रेशर कहें तो 10^-4 टॉर के बराबर। टॉर क्या है ध्यान रखिएगा, जब आप पढ़ते हैं साइंस के अंदर तो टॉर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। टॉर भी क्या है, प्रेशर का एक यूनिट है। इज ऑल्सो ये भी लिख सकता हूं, इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ, क्योंकि पास्कल भी होता है, द टॉर इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ प्रेशर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप साइंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए है ना, कि एक टॉर कितने के बराबर होता है, एक पास्कल कितने के बराबर होता है ना, बार भी होता है प्रेशर के यूनिट। चलिए अब यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे क्या है वैक्यूम, यहाँ पे हमने क्रिएट कर रखा है वैक्यूम। ध्यान रखे बहुत कोई यहाँ होशियारी क्या दिखाता है VA, बहुत कोई क्या सबको लगता है स्टूडेंट को ना कई बार कि सर ने गलती लिख दिया होगा, WCUM कर देता है, पर ध्यान रहे वैक्यूम में VACWM होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी चीज़ आपके कंपटीशन में इंग्लिश वाले सेक्शन में एक बार पूछा गया है, इस चीज़ का ध्यान रहे। पता चला हम लिखते हैं VACWM और स्टूडेंट्स को लगता है सर बाय मिस्टेक लिख दिया है इसको चेंज कर लो, तो VCUM कर देता है, पर ऐसा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रहे। चलिए अब हमने क्या किया वैक्यूम, जैसे वैक्यूम किया लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर में कोई आयंस टिकता ही नहीं, यहाँ पे कोई भी आयंस टिकता ही नहीं। अब क्या हुआ, और पहले तो आयंस तो ब्रेक कैसे होगा, आयन आएगा कहाँ से, हाई पोटेंशियल रहेगा तभी तो आयंस ब्रेक करेगा, तो हम क्या करते हैं आयंस लिखेंगे। लेकिन समझिएगा जैसे ही फॉल्ट हुआ, जैसे ही क्या हुआ फॉल्ट हुआ, तो सर्किट ब्रेकर का सेकेंडरी हिस्सा यानी मूविंग कॉइल क्या करेगा, मूविंग सर्किट मूविंग कॉन्टैक्ट पीछे की ओर धकेला जाएगा। जब ये पीछे की ओर धकेला जाएगा तो ऐसे कंडीशन में अगर हाई वोल्टेज स्ट्रेस यहाँ पे एप्लीकेबल रहता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यहाँ कोई एयर तो है नहीं जो आयोनाइज हो, एयर तो है नहीं जो एयर ब्रेक करके आयंस प्लस माइनस बनेगा, तो यहाँ पे क्या होता है संयोग सदिश कॉन्टैक्ट के अंदर जो मटेरियल है वो तो उसमें तो आयंस होंगे ना, होल्स इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना वहाँ पे, यहाँ पे मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तो होंगे, ये क्या करता है ब्रेक करता है, जब हाई पोटेंशियल होता है तो ये ब्रेक करता है, और जब ब्रेक करता है तो ये वैक्यूम में नहीं रहता, ये बाहर की ओर निकल जाता है। जब ये ब्रेक करता है तो ये क्या करता है बाहर की ओर निकल जाता है, इधर की ओर निकल जाता है, यहाँ रुकता ही नहीं, क्यों, क्योंकि लो प्रेशर मेंटेन किया गया। लो प्रेशर मेंटेन करने से यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होते हैं बाहर की ओर निकल जाते हैं, क्या करते हैं बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो ध्यान रखें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो होता है इसके अंदर यही एप्लीकेशन होते हैं, मेन वैक्यूम यूज होता है, क्या होता है वैक्यूम यूज किए जाते हैं, यानी वैक्यूम आप कह सकते हो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ना, यहाँ पे क्या किया जाता है वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होता है आपका स्पार्किंग रुक जाता है, टू स्टॉप दी आर्क, आर्क को रोकने के लिए हम क्या करते हैं वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ध्यान रखिए एक चीज़ और, जब यहाँ पे एयर नहीं था तो एयर का आयोनाइजेशन नहीं हो पाता, जब एयर का आयोनाइजेशन नहीं होता तो यहाँ पे एक और इमिशन होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन, जब कोई एयर ब्रेक करता तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इमिशन यानी इमिशन, लेकिन जब कोई कंडक्टर को तोड़ करके, इससे कंडक्टर डैमेज भी होता है बेचारा, कंडक्टर क्या होता है ऐसे कंडीशन में डैमेज भी होने के चांस, इसको बोलते हैं डैमेज होता है, यहाँ पे डैमेज कंडक्टर, इसके कारण कंडक्टर भी क्या होता है डैमेज होता है, ठीक है ना। तो जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे चीज समझिए, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिशन
इमिशन, ध्यान रखिए इसी को बोला जाता है सेकेंडरी इमिशन। ये सब नोट डाउन आप लोगों को किया गया है, नोट डाउन जरूर नोट्स के अंदर, आपको ऐप के अंदर सारा चीज दिया गया है, ऐप में हर एक चीज बकायदा, जितने चीज आप भी अपने पावर सिस्टम के अंदर करा या जितने भी कोर्स अभी तक आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे कर रहे हो, उसमें हर एक चीज सिस्टमेटिक वे में आपका सिलेबस, उसके बाद आपका ये कंटेंट, पूरा मटेरियल, एमसीक्यू, हर एक चीज़ प्रॉपर वे में दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गया, इस तरीके से आप कह सकते हो कि किस तरीके से वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एप्लीकेशन में लिए आते हैं। ध्यान रखें प्रेशर, ये डाटा एक इंपॉर्टेंट है, क्या होता है वैक्यूम होता है तो लो प्रेशर मेंटेन किए जाते हैं, उसके बाद वैक्यूम के द्वारा क्या हम करते हैं आर्क को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, आर्क नहीं क्रिएट हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्टली यूज होते हैं कौन सा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, और ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा SF6, डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का भी इस्तेमाल होता है। हाई रेटिंग के लिए कौन से है, एक तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और SF6 है, उसकी चर्चा हम करेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये भी है सेकेंडरी इमिशन हो गया आपका, तो ये चीज आई होप कि आपको पता हो जाना चाहिए कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का उपयोग किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है ना। तो आगे की क्लास को हम फिर यहाँ पे देखेंगे, ये अगर कोई आपसे बोला कि ये अप टू किस रेंज तक के लिए वैलिड है, अगर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो ये अप टू और लोअर देन 33 kV के लिए सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, अप टू और लोअर 33 kV के लिए सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला सर्किट ब्रेकर है। तो ये मुझे नहीं लगता इसमें आप कहीं भी आपको इसके अंदर प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आगे फिर हम देखने वाले हैं, इसके बाद का क्लास जो होगा हमारा वो होगा आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर, है ना, SF6 सर्किट ब्रेकर, इस दोनों को देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सर्किट ब्रेकर कंप्लीट होगा, फिर हम पढ़ेंगे HRC स्विच, और फिर उसके बाद हमारा आइसोलेटर्स होंगे, ये सब तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी है नहीं है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिले, ठीक है ना। तो हमारा कंपटीशन यही है कि कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर स्टॉप करता हूँ, आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।